उस साइड से जो ये बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं, ये पाकिस्तान साइड के होटल्स हैं वहाँ से। माशाल्लाह वहाँ से जो भी आपको हाउसेज नजर आ रहे हैं वो सारा पाकिस्तान का एरिया है। वो व्यूज यहाँ से आ रहे हैं, आप चेक कीजिए खुद भी। और ये हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो मैं हूँ इस वक्त केरन सेक्टर में, ये रही मेरी मोटरसाइकिल और आज का नाइट स्टे होने जा रहा है इसमें। तो इस वाले व्लॉग की शुरुआत मैं यहाँ से ही कर रहा हूँ। तो इस वक्त हम जा रहे हैं यहाँ पे एक हायर सेकेंडरी है वहाँ तक ही, वहाँ पर देखेंगे कुछ बनाएँगे फिर खाएँगे वहाँ पर। केरन सेक्टर के विजुअल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप चेक कीजिए यहाँ के मकान। अभी भी लकड़ी के मकान यहाँ भी हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे कि तुलेल में हमें देखने को मिले थे। ये रहे हमारे साथी जो आज के इस ट्रिप में हमारे साथ हैं। सो गाइस, इस वक्त मैं जहाँ से चल रहा हूँ यह है केरन सेक्टर का एरिया, और आप मेरे लेफ्ट साइड से जो वहाँ से एरिया देख रहे हैं वो है पाकिस्तान साइड का एरिया। वहाँ से आपको अगर नज़र आ रहा होगा वो है पाकिस्तान का होटल, और उस साइड से जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये पाकिस्तान साइड के होटल्स हैं वहाँ से। और वहाँ से बताया जाता है कि 5-स्टार होटल्स भी हैं, और वहाँ से एक सड़क भी जा रही है एक अच्छी, ठीक है। हायर सेकेंडरी स्कूल केरन कुपवाड़ा, उसी के अंदर हम एंटर हो गए हैं अब। तो यहाँ पे यहाँ के लोकल्स क्रिकेट खेल रहे हैं, ट्राई करेंगे अगर खेलने का मौका मिला तो हम भी खेलेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है वहाँ से। बहुत मज़ा आएगा, हाँ बहुत ही मज़ा आएगा वहाँ से। जो उस साइड से आपको वो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो उनका होटल है, यानी कि पाकिस्तान का होटल है। वहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ पे खेल रहे हैं यहाँ के लोकल्स, चेक कीजिए। एग्जैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ केरन सेक्टर से, और ये खेल रहे हैं हमारे साइड से बच्चे, और इसके सीधे अपोजिट साइड से पाकिस्तान की गाड़ियाँ और पाकिस्तान का जो भी बिल्डिंग वगैरह वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं नियर एलओ से। बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी है। One hour later. माशाल्लाह गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम द केरन सेक्टर। हाँ, कैसा लगा आपको केरन सेक्टर? बहुत अच्छा केरन सेक्टर लगा, लेकिन यहाँ रहने के लिए सिर्फ एक दिन काफी है। हाँ, एक दिन का, एक दिन बहुत काफी है। इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो सिर्फ एक दिन में, अगर आप घर से सुबह जल्दी निकलोगे, सुबह सवेरे निकलोगे, यहाँ पहुँचोगे। यहाँ के लिए मैं कहूँगा कि 2 घंटे काफ़ी हैं केरन सेक्टर को एंजॉय करने के लिए। अब ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय वगैरह कुछ पियेंगे, उसके बाद आपके साथ आगे के ब्यूटीफुल से विजुअल्स शेयर करेंगे। तो गाइस, जो मेरे लेफ्ट साइड से आपको ग्रह नज़र आ रहा है ये है किशन गंगा रिवर। हम इस साइड की जो बस्ती थोड़ी सी बहुत आपको नज़र आ रही होगी वो है उस साइड की बस्ती, और ओनली एक ही
जो ये रिवर है ही इसको डिवाइड करता है। और चेक कीजिए कितने ऑसम और अमेजिंग व्यूज आ रहे हैं। यहाँ आज बाइक साथ नहीं ला पाया क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इन्होंने की है, इसलिए जो यहाँ रोड है ये कट है, यहाँ गाड़ियाँ नहीं आती थी फिर भी, लेकिन बाइक्स के लिए ठीक था रोड, लेकिन जो न्यू कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हुई है उस वजह से वहाँ पे आज टोटली रोड ब्लॉक्ड है। तो आप बने रहे, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो केरन सेक्टर है यहाँ पे बर्फ़बारी नहीं होती है, फिरकन टॉप तक बर्फ़बारी अच्छी खासी होती है, फिरकन गली जो है वहाँ पे सुने में आया कि 10 फुट तक की बर्फ़बारी होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती है। और यहाँ से आप चेक कीजिए, वहाँ से जो भी आपको हाउसेज नज़र आ रहे हैं वो सारा पाकिस्तान का एरिया है, और यहाँ से एक दो जो हाउसेज हैं ये हिंदुस्तान साइड के हैं, और यानी कि हमारे साइड से उस वक्त। तो अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, कल शाम को यहाँ पे ऐसी खासी बारिश भी हुई, उसके बावजूद नाइट और जब हम सुबह उठे तो यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू के अगर फिरकन गली के उस साइड की बात की जाए, वहाँ के मुकाबले में यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ले जी, हम पहुँच चुके हैं कोबरा पॉइंट पर, आप यहाँ से व्यूज़ को चेक कीजिए, वो है सारा पाकिस्तान का एरिया वहाँ से। और जो यहाँ पे आपको टेंट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ये हमारा साइड है, और वो उस वाले साइड यानी कि पाकिस्तान का एरिया वहाँ से नज़र आ रहा है। और इसको अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये किशनगंगा रिवर ही इसके बीच में है, बाकी कोई तार वगैरह यहाँ पे नहीं है, आप चेक कर सकते हो। सो फाइनली गाइस, कुछ इस तरह की लोकेशन पर हम पहुंच चुके हैं, और आप यहां से जो वहां के व्यूज़ को इंजॉय कीजिए, इतने क्लोज व्यूज़ यहां से आ रहे हैं, आप चेक कीजिए खुद भी। और ये रहा किशनगंगा रिवर, यानी कि उस साइड के लोग इसे नीलम रिवर कहते हैं और हम इसे किशनगंगा रिवर कहते हैं। और यहाँ से आप चेक कीजिए क्लोजली, और वो रहा वहाँ का रोड और वहाँ की गाड़ियाँ वहाँ से चल रही है, आप चेक कीजिए क्लोज विजुअल वहाँ के। सो गाइस, चलते चलते वापस जब मैं आ रहा था तो मेरी नज़र कुछ इस तरह की लोकेशन पर पड़ी, और यहाँ से मैं आपको इसके विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ से चेक कीजिए कितना जो ये स्ट्रक्चर था कुछ बनाया है, शायद आगे पार्क भी है, कितना प्यारा लग रहा है, आप चेक कीजिए। थोड़ा सा ऊपर जाने की मैं कोशिश करूँगा, बहुत ही बढ़िया, प्राउड टू बी इंडिया वहाँ पे लिखा है। और यहाँ से आप विजुअल्स को, उस पार के विजुअल्स को चेक कर सकते हैं। सो गाइस, करते हैं आज के इस वाले व्लॉग को यहीं पे एकदम। अगर आपको आज का व्लॉग किसी भी एंगल से पसंद आया होगा तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखिएगा अपने दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।